तो आज का टॉपिक है त्रिशोथ्य अध्याय। शोथ मतलब होता है स्वेलिंग, और जो स्वेलिंग है वो तीन टाइप की होती है, वात, पित्त और कफ। तो इसलिए इस अध्याय का नाम है त्रिशोथ्य अध्याय। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है शोथ के विभिन्न वर्गीकरण। इसमें क्लासिफिकेशन और स्वेलिंग हम देखेंगे। एक तरीके से सारे शोथ को क्लासिफाई करा जाता है उच्छेद के बेसिस पे। उच्छेद होता है उभार आना, तो हर एक शोथ में, हर एक स्वेलिंग में एक उभार होता है, इनलार्जमेंट आ जाता है। द्विविध, निज और आगंतुज। निज होता है एंडोजीनियस स्वेलिंग जो वात, पित्त, कफ की वजह से आती है, और एक होता है आगंतुज। आगंतुज होता है एक्सोजीनियस स्वेलिंग जो बाहरी आघात या फिर किसी कीड़े ने काट लिया आदि, इनकी वजह से आती है। त्रिविध, त्रिविध में आता है वातज शोथ, पित्तज शोथ और कफज शोथ। त्रिविध माधव और साध्य साध्यता प्रकरण के अनुसार, ऊर्ध्वगत, मध्यगत और अधोगत। वाग्भट जी के अनुसार और आकृति भेद के अनुसार होता है पृथु, उन्नत और ग्रथित। पृथु मतलब होता है थिक, उन्नत मतलब होता है एलिवेटेड स्वेलिंग, और ग्रथित होता है हार्ड स्वेलिंग। एक और त्रिविध क्लासिफिकेशन होता है सर्वगात्राश्रित, अर्धगात्राश्रित और अव्यवाश्रित। सर्वगात्राश्रित होता है होल बॉडी में जो स्वेलिंग आ जाती है उसको बोलते हैं जनरल स्वेलिंग। अर्धगात्राश्रित होता है हेमी टाइप, मतलब कहीं कहीं आना। अव्यवाश्रित होता है लोकल ईडी में इन्फ्लेमेशन जो हो जाती है। चतुर्विध, चतुर्विध में आएगा वात, पित्त, कफ और आगंतुज। सप्तविध, सप्तविध में आएगा वातज शोथ, पित्तज शोथ, कफज शोथ, वातज पित्तज, पित्तज कफज, वात कफज और वात पित्त कफ तीनों। अष्टविध में ये सब प्लस आगंतुज। अब इसमें बोला है शोथ के भेद वातजन्य, पित्तजन्य और कफजन्य होते हैं। त्रयः शोथा भवन्ति वात पित्त श्लेष्म निमित्ता। द्विविधा निज आगंतु भेदेन। रोग उत्पत्ति में कारण भेद से निज आगंतुज दो भेद माने हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन शोथ का। अब हम देखेंगे आगंतुक शोथ के कारण, मतलब जो एक्सोजीनियस स्वेलिंग होती है उसके कारण क्या क्या हैं। आगंतुक शोथ में आघात तथा विषैली वनस्पतियां और जंतुओं को मुख्य कारण माना है। मतलब या तो कोई बाहर से चोट लग जाए, फिर कोई विषैले वनस्पतियों से हमारा कांटेक्ट हो जाए, मतलब उनके जूस का, फ्लावर और फ्रूट से जो भी विषैला होगा उससे हमारा कांटेक्ट हो जाए, इन सब की वजह से आगंतुक शोथ होता है। इसका संप्राप्ति और उपशय देखते हैं। निज लक्षणों से एक देशीय विपरीत होते हैं, पहले लक्षणों से युक्त होते हैं और बाद में वातादि दोष उत्पन्न होते हैं। निज में क्या होता है, निज में ऐसा होता है कि पहले वातादि दोष उत्पन्न होंगे, उसके बाद हमें कष्ट होगा और लक्षण उत्पन्न होंगे। आगंतुक शोथ में पहले हमें कष्ट होता है, पहले हमें लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसके बाद वातादि दोष उत्पन्न होते हैं। इसका उपशय क्या है, इसकी चिकित्सा क्या है। बंधन, मंत्र प्रयोग, अगत का प्रलेप, जो विषनाशक हमारा औषधि होंगी उनका लेप, प्रताप, अग्नि से सेक, निर्वापन, शीतल जल या क्वाथ आदि से परिषेक, सेक करना शीतल जल या क्वाथ से। फिर आता है निज शोथ के कारण, पूर्व क्रम, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, अविधि पूर्वक प्रयोग, जो हमारा स्नेहन, छेदन, वमन, विरेचन ये सब आदि प्रक्रिया है, इनका अविधि पूर्वक प्रयोग किया जाए तो निज शोथ हो जाता है। कुछ उपद्रव की वजह से निजशोत होता है, जैसे अलसक, विषूचिका, भगंदर, अर्श, पांडु। अगर हम वेग को धारण करें तब विरुद्ध नूतन आहार सेवन करने से, अमल, लवण, पिष्ठान अधिक सेवन करने से, गर्भवती अगर अति पीड़ित हो या फिर गर्भपात हो जाए तब। तो ये है निजशोत के कारण। फिर आता है निजशोत के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। निजशोत के अंदर आता है वातिक शोथ, पैतिक शोथ और कफत शोथ। अब हम इन तीन के बेसिक बेसिक निदान, संप्राप्ति और लक्षण देखेंगे। अब जो वातिक शोथ है, पैतिक शोथ है और कफत शोथ है, इसमें त्वचा, मांस और रक्त, इन सब में असर पड़ता है, इन सब में शोथ उत्पन्न होता है, दूषित त्वचा, मांस और शोणित होते हैं। अब वातिक शोथ में लिखा गया है
शिप्रोत स्थान प्रश्मो भवति, इसका मतलब है शोथ शीघ्र उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है, मतलब स्वेलिंग जल्दी उत्पन्न होगी और जल्दी ही शांत भी हो जाएगी। पैतिक शोथ में भी सेम होता है, और कफत शोथ में देर से उत्पन्न होती है और देर से शांत होती है। सकृच्छुत्थान प्रश्मो भवति। अब वातिक शोथ में सरसप कलक अविलिप्त इव चिमचिमाए थे, मतलब सरसों का अगर कलक लग जाए, मस्टर्ड ऑयल लग जाए, तो चिमचिमाहट मचती है उस एरिया में। और जो वातिक शोथ होता है वो अगर उसको हम टच करेंगे तो वो थोड़ा रफ होता है। पैतिक शोथ क्या होता है, स्पर्श में मृदु होता है, सॉफ्ट होता है और उष्ण होता है, और धूम्र निकल रहा है ऐसा अनुभव होता है, उससे धुआं निकल रहा है ऐसा अनुभव होता है। कफत शोथ में जो शोथ होता है वो भारी होता है, उसमें चिकनापन होता है और स्थिरता रहती है। वातिक शोथ श्याम वर्ण का होता है, मतलब थोड़ा ब्लैकिश आता है। पैतिक शोथ ताम्र वर्ण का होता है, और कफत शोथ जो होता है वो शुक्ल वर्ण का होता है। वातिक शोथ में पिपलिका भेरिफ संसर्प्यते, चीटियां चलने जैसा अनुभव होता है और सुई से चुभने जैसी वेदना होती है। पैतिक शोथ उष्ण स्पर्श असहन, जो पैतिक शोथ होता है अगर उसमें हम उष्ण स्पर्श लगाएं, कुछ गर्म चीज लगाएं, तो वो असहन होता है, और कफत शोथ में उष्ण स्पर्श सहन होता है। तो ये बेसिक निदान, संप्राप्ति और लक्षण हो गए वातिक शोथ, पैतिक शोथ और कफत शोथ के। अब हम देखेंगे लक्षण, कुछ एक्स्ट्रा लक्षण देखेंगे वातिक शोथ, पैतिक शोथ और कफत शोथ के। अब हम देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा लक्षण। सबसे पहले आता है वातिक शोथ। शोथ को हाथ से दबाया जाए तो दब जाए पर शीघ्र ही पुनः उठ जाए। वातिक शोथ जो होता है अगर उसको हम दबाए तो वो दब भी जाएगा और शीघ्र ही वापस उसी शेप में आ जाएगा। रात्रि में शोथ नष्ट हो जाता है। स्नेहन सुदन और मृदन से शोथ नष्ट हो जाता है। फिर है कुछ पैतिक शोथ के लक्षण। मध्य शरीर से शोथ प्रारंभ हो, पैतिक शोथ ज्यादातर मध्य शरीर में होता है। शोथ की त्वचा पतली होती है और रोगी को अतिसार होता है, डायरिया की प्रॉब्लम होती है। कफत शोथ में बताया गया है गति आगे ना बढ़ती हो, मतलब वो एक जगह पर ही स्थिर हो, अलग अलग जगह पर फैले ना। रात्रि में बलवान होता है। वातज जो शोथ होता है वो रात्रि में नष्ट होता है और कफत शोथ रात्रि में बलवान होता है। दबाने पर दब जाए उठे नहीं, मतलब अगर हम उसको दबाएंगे तो वो बहुत धीरे धीरे करके उठेगा, एकदम से शीघ्र उत्पन्न नहीं हो जाएगा जैसे वातज शोथ में था। शस्त्र से काटने पर रक्त न निकले, अगर हम उस पर शस्त्र लगाए कुछ भी तो उससे रक्त नहीं निकलता, पस जैसा निकलता है, तो वो होता है कफत शोथ। तो ये हो गए वातज पित्तज और कफत शोथ के लक्षण। अब आता है स्थान के अनुसार शोथ की साध्य असाध्यता। कृत साध्य, जो कृत साध्य होता है मतलब जो कठिनाई से ठीक होता है, पुरुष के लिए क्या है, उसमें पैरों से शुरू होकर शरीर में फैले। अगर वो शोथ पैरों से शुरू हो और पूरे शरीर में फैले तो वो जो शोथ है वो कृत साध्य है। स्त्री के लिए, स्त्री के मुख से प्रारंभ होकर शरीर में फैले तो वह शोथ कृत साध्य है। पुरुष में ऐसा हो रहा है कि पैरों से शुरू होकर ऊपर जाए और स्त्री में मुख से प्रारंभ होकर नीचे जाए। कष्टतम शोथ, कष्टतम शोथ क्या होता है, जिसमें हमें अधिक पीड़ा होती है। गुह्य प्रदेश से शोथ उत्पन्न हो, दोनों लिंगों में जाए। शोथ अपने उपद्रवों से युक्त हो। तो ये हो गए स्थान के अनुसार शोथ की साध्य असाध्यता। अब हम देखेंगे शोथ का उपद्रव, मतलब कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है। छर्दी, वमन, उल्टी जैसा आना होता है, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य। तो ये है कुछ शोथ के उपद्रव। सुश्रुत ने, आचार्य सुश्रुत ने हिचकी और कास, यह दो उपद्रव शोथ के अधिक माने हैं। चरक ने कौन कौन से बोले, छर्दी, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार और दौर्बल्य। और सुश्रुत ने इन सबको तो कहा ही, साथ में हिचकी और कास को भी ऐड किया। अब हम देखेंगे एक देशीय शोथ, डिफरेंट टाइप ऑफ स्वेलिंग्स देखेंगे हम स्पेसिफिक साइट्स पे। इसमें हम शोथ के स्थान देखेंगे कि स्वेलिंग किस जगह, स्वेलिंग के लोकेशन क्या है, उसका नाम क्या है,
और वो किस दोष की वजह से उत्पन्न हुआ है। जिह्वा मूल पे अगर शोथ हो जाए, मतलब जीभ के एकदम मूल पे एंड पे शोथ हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं उपजिह्विका, जिसको हम रेन्युला भी बोलते हैं, और ये कफ की वजह से होता है। आगे की स्लाइड में इसकी पिक्चर्स भी मैंने ऐड करी हुई हैं। अब आता है काकल, मतलब तालु स्थान पे, मतलब पैलेट पे अगर स्वेलिंग हो जाए तो हम उसको बोलते हैं गल सुंडिका, जो कफ की वजह से होता है। गल बाह्य, मतलब गले के बाहर, तो वो होता है गलगंड, गोइटर, जो कफ की वजह से होता है। अंतर्गल, अंतर्गल होता है गले की अंदर की तरफ स्वेलिंग हो जाना, जिसको हम बोलते हैं गलग्रह, तो ये भी कफ की वजह से होता है। तो हम कफ में देखेंगे जितने भी गले से रिलेटेड है वो सारे कफ की वजह से हो रहे हैं। और जीभ में उपजीविका, गलसुंडिका, गलगंड और गलग्रह, तो ये आ जाएंगे कफ। अब आता है पित्त, पित्त में ज्यादातर रक्त का रोल होता है, तो रक्त में जितनी भी स्वेलिंग होती है वो पित्त की वजह से होती है। अब जो विसर्प और पीडिका है वो त्वचा और रक्त दोनों में होती है। इनमें डिफरेंस ये होता है कि विसर्प में वो एक जगह स्थिर नहीं होती, और पीडिका में ये होता है कि वो एक जगह स्थिर रहता है। अब कौन कौन से शोथ रक्त में होते हैं? तिलक, जिसको हम मोल बोलते हैं, पीपलव, जिसको जो पोर्ट वाइन मार्क्स आ जाते हैं उसको हम पीपलव बोलते हैं, व्यंग, जो ब्लेमिश स्पॉट्स होते हैं, नेलिका, जो ब्लू ब्लैक मोल्स होते हैं, तो ये सब होते हैं शुष्क पित्त दोष की वजह से। शंख प्रदेश, शंख प्रदेश में शखक बोलते हैं, जो इंट्राक्रेनियल ग्रोथ हो जाती है, जो हमारे सर के ऊपर जो है वो एक स्वेलिंग आ जाती है, एक फोड़ा सा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं शखक। जो इंट्राक्रेनियल ग्रोथ होती है हमारे, सेजाइटल साइनस थ्रोम्बोसिस हो जाता है, या फिर टेम्पोरल में अर्थराइटिस हो जाता है, ये सब भी पित्त की वजह से होता है। कर्णमूल, कान के जो एकदम बेस पे जो होता है स्वेलिंग, उसको हम बोलते हैं असाध्य ज्वरांत शोथ, जो पित्त की वजह से होता है। अब प्लीहा में, प्लीहा में अगर शोथ हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको? स्प्लीनोमेगैली, प्लीहा की वृद्धि, प्लीहा वृद्धि, जो कि पित्त की वजह से होता है। तो ये हो गए कुछ पित्त की वजह से शोथ। अब हम देखेंगे वात की वजह से। वात के शोथ ज्यादातर हमारे एब्डोमिन रीजन में होते हैं, जैसे कि गुल्प, जो कोष्ठ में होता है, वृद्धि रोग, स्क्रॉटम इनलार्जमेंट हो जाता है, जो वंक्षण से लेकर वृषण तक स्वेलिंग हो जाती है जहां पे, उदर रोग, जो कुक्षी में हो जाता है, आनाहा, ये भी कुक्षी में होता है, वात की वजह से ये वाले शोथ होते हैं। अब आता है सन्निपातज, तीनों दोष की वजह से जो शोथ होते हैं, जैसे अर्बुद जो होता है वो कहीं पे भी उत्पन्न हो जाता है, अर्बुद ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं, डिप्थीरिया जिसको हम बोलते हैं रोहिणी, जो जिह्वा मूल में होता है, बेसिकली हमारे पूरी ओरल कैविटी में जो शोथ हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिप्थीरिया रोहिणी। रोहिणी 3 रात्रि तक रोगी जीवित रहता है। अगर हम रोहिणी को ठीक ना करें, अगर उसकी चिकित्सा ना करें, तो वो तीन रात्रि तक ही जीवित रहता है। तो ये जो पहली इमेज है वो है उपजीविका की, जिह्वा के मूल के नीचे। जो सेकेंड इमेज है वो है गलशुंडिका, जो तालु मूल पे हुआ है। जो हमारी थर्ड इमेज है वो है गलगंड, जिसको हम गोइटर भी बोलते हैं। जो हमारी फोर्थ इमेज है वो है गल ग्रह, जो गले के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। जो नेक्स्ट इमेज है वो है विसर्प, विसर्प होता है त्वचा में और सरक्त रक्त में जो स्वेलिंग हो जाती है। अगला जो है वो है पिडिका, पिडिका जो होता है वो त्वचा और रक्त में होता है, पर ये स्थिर रहता है। जो अगली इमेज है वो है रोहिणी की, रोहिणी की, जिसको हम डिप्थीरिया भी बोलते हैं। आता है व्याधि भेद। दो प्रकार की व्याधि होती है, एक होती है साध्य और एक होती है असाध्य। साध्य में दो आते हैं, मृदु साध्य जिसको हम सुख साध्य भी बोलते हैं, और दारुण साध्य जिसे हम कृच्छ साध्य बोलते हैं। असाध्य, असाध्य में आता है जो कठिनाई से ठीक होते हैं, जैसे मृदु असाध्य जिसको हम याप्य भी बोलते हैं, और दारुण असाध्य जो बिल्कुल ठीक हो ही नहीं सकते हैं, अनुपक्रम और प्रत्याख्य भी हम इसको बोलते हैं। सभी विकारों का नामकरण संभव नहीं है, अतः चिकित्सक को लज्जित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर आता है त्रिविध बोध्य संग्रह। हमें चिकित्सा करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? रोगों की प्रकृति जानना जरूरी है, अधिष्ठान की विभिन्नता और समुत्थान विशेष आदि
जानकर चिकित्सा करें। इससे वैद्य मोह व अज्ञान को प्राप्त नहीं होता। अब हम देखेंगे तीनों दोषों के प्राकृत क्रम। सबसे पहले आता है प्राकृत वात कर्म, फंक्शंस ऑफ नॉर्मल वात दोष। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति समा, समो मोक्षो गति मताम, वायो कर्म विकारजम। उत्साह का मतलब होता है एंथुसियाज्म, उच्छ्वास निश्वास होता है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, चेष्टा जितनी भी मूवमेंट होती है वो वात की वजह से होती है, धातु गति मतलब जो प्रोसेसिंग होती है, जो गति होती है धातु की वो वात की वजह से होती है, और गतिशील मल मूत्रादि वेगों को बाहर निकालना भी वात का प्राकृत कर्म है। अब हम देखेंगे प्राकृत पित कर्म। दर्शनम पक्तिर ऊष्म चक्षु तृष्णा देह मार्तवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित कर्म विकारजम। तो हम फंक्शंस ऑफ नॉर्मल पित्त दोष देखते हैं। विजन हो गया, डाइजेशन, हीट, हंगर, थर्स्ट, सॉफ्टनेस इन बॉडी, लश्चर, इंटेलिजेंस, ये सब क्या है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ पित्त। फिर आता है प्राकृत कफ कर्म। स्नेहो बंधः स्थिरतवम च गौरवम रिश्ता बलम क्षमा धृति लोभश्च कफ कर्म विकारजम। अंक्चुअसनेस हो गया, बाइंडिंग हो गई, स्टेबिलिटी, हैवीनेस, स्ट्रेंथ और एब्सेंस ऑफ ग्रीड, ये सब किसके कर्म है? प्राकृत कफ के। तो ये हो गए तीनों दोषों के कर्म। ये चैप्टर खत्म। थैंक यू।